देखिए, महावदन को एक त्यौहार से कम नहीं है, ये खुद में ही एक त्यौहार है। इसे समझने के लिए आपका महल आना जरूरी है। एक हफ्ते पहले मैं महल, राज्य अभिषेक व महावादन डॉक्यूमेंट करने गया था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। आप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज है 12 जून और आज महावादन होने वाला है और मैं रेडी हो गया, पूरा गेट अप आप देख सकते हैं। तो अभी मैं बस दौड़ते हुए जाता हूँ, मैंने गाड़ी पार्क कर दी है, तो लेट्स गो। मेरे भाइयों को अभी भी विश्वास नहीं होता कि मैं वही 8वीं कक्षा वाला आयुष हूँ जो कभी बाहर निकल के किसी से बात करता हूँ। हम नाश्ता करने जा रहे हैं, मेरे साथ ओम है, अनुराग है और उद्देश भैया है। तो ये बात है 6 जून 1674 की, जब श्री छत्रपति शिवाजी महाराज राजा बने थे रायगढ़ में और उन्होंने मराठा साम्राज्य संभालना शुरू किया था। सो एज अ एनिवर्सरी हर साल 6 जून को महाराष्ट्र में राज्य अभिषेक मनाया जाता है। यहाँ पे सब लाइन अप हो गया है, तो स्टार्ट होने के लिए है। ये साल बाकी सालों से बहुत अलग था। इस साल क्या अलग होता है, क्या नया देखने मिलता है? इस साल नागपुर से पूरे 16 फतह करते, मतलब 200 ढोल, 100 ताशे और 51 ध्वज एक टाइम पर बजने वाले। क्यों नहीं समझा? चलो मैं समझाता हूँ। मेरा ये दूसरा साल था कि अभिषेक को महावादन एक्सपीरियंस करूँगा। अगले साल में फिर से जाऊँगा इन्हीं लम्हों को जीने के लिए। Moria! Chhatrapati Shivaji Maharaj! Jai!